पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे। पंजाब में पुलिस की गिरफ्त में आया अमृतपाल। इस वक्त की अहम अपडेट, 34 दिन बाद मिला भगोड़ा अमृतपाल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जहां मोगा, आपको बता दें मोगा गुरुद्वारा से पुलिस ने की है गिरफ्तारी। असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा अमृतपाल। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे जहां पुलिस गिरफ्त में आया अमृतपाल। आपको बताते चले 34 दिन बाद मिला है भगोड़ा अमृतपाल। मोगा गुरुद्वारे में पुलिस ने गिरफ्तारी की है अमृतपाल की। असम के डिब्रूगढ़ जेल से भेजा जाएगा अमृतपाल। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आपको बता दें वारिस पंजाब चीफ और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पुलिस ने मोगा के गुरुद्वारे से हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही अमृतपाल 36 दिन बाद पुलिस के हाथ लगा और अजनाला कांड के बाद से वह फरार चल रहा था। बताते चले कि दरअसल 3 दिन पहले ही भगोड़े की पत्नी किरणदीप कौर को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। अमृतसर एयरपोर्ट पर रोका गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। 34 दिन बाद भगोड़ा अमृतपाल मिला। साथ साथ बताते चले कि अब खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोगा पुलिस ने रूड़ेवाल गुरुद्वारे से अमृतपाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया है और वहीं अमृतपाल के खिलाफ भी NSA लगाया गया। इस वक्त अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां खालिस्तान समर्थक और भगोड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिनों से फरार चल रहा था। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वहां आपको बता दें कि अमृतपाल ने पंजाब की मोगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अमृतपाल सिंह मोगा के रूड़ेवाल गुरुद्वारे में गिरफ्तार किया गया जहां से अब पुलिस अमृतसर लेकर आई है और वहां से उसे सीधा असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। तो पकड़ में आया भगोड़ा अमृतपाल। अमृतपाल 34 दिन बाद गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले जहां अब पकड़ लिया गया मोगा में गुरुद्वारे से पकड़ा गया है अमृतपाल सिंह। तो वहीं अब गिरफ्तारी हो गई 34 दिन बाद जहां असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा अब अमृतपाल को। और आपको बताते चले कि अमृतसर ले आई है पुलिस। 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला थाने पर हमला किया गया था। उसके बाद से फरार चल रहा था। तो वहीं समर्थक की रिहाई के लिए अजनाला थाने पर यह हमला किया गया था अमृतपाल सिंह की तरफ से और उसके बाद से ही अमृतपाल फरार चल रहा था। लेकिन अब 36 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस ने अलग अलग जगहों से उसके कई करीबियों को भी पकड़ा है और इससे पहले उसके कई करीबियों पर छापेमारी हो चुकी। पकड़ा जा चुका 20 अप्रैल को उसकी पत्नी किरणदीप कौर को एयरपोर्ट पर 3 घंटे रोका गया। उनसे पूछताछ भी की गई थी। तो इस वक्त की अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे जहां आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह ने मोगा के रूड़ेवाल गुरुद्वारे में गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। जहां पुलिस ने अमृतसर ले आई और वहां से उसे सीधा असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जाएगा। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी पंजाब पुलिस को काफी सुनाया था कि उनके साथियों को पकड़ा गया, अभी तक अमृतपाल को नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं अभी तक पुलिस अमृतपाल तक पहुंच पा रही है? ये बताया जा रहा है कि अब गिरफ्तार